दोस्तों फिटनेस एंड रेसलिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केन अपने WWE करियर के दौरान मास्क क्यों पहनते थे और केन के मास्क पहनने का क्या रीजन था, बहुत प्रोफेशनली और पर्सनली भी। तो केन का मास्क मोस्ट आइकॉनिक रहा है WWE में, तो प्लीज़ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों ये आपको सबको पता है कि केन अंडरटेकर के मिस्टीरियसली बर्न ब्रदर थे और बैड ब्लड 1997 में केन ने WWE में डेब्यू किया था। जब केन ने अपना डेब्यू किया था तो वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स थे पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री में। लेट 90s का टाइम WWE का मोस्ट एंटरटेनिंग और प्रॉफिटेबल ईयर रहा था। WWE ने फाइनली WCW को रेटिंग्स में हराना शुरू कर दिया था और WWE के आगे WCW इन टर्म्स ऑफ नए स्टार्स को क्रिएट करने के लिए और स्टोरी क्रिएशन के लिए WWE से पीछे था। WWE नए स्टार्स को क्रिएट करने के लिए बहुत सक्सेसफुल रहा था। उन्होंने स्टीव ऑस्टिन, रॉक, ट्रिपल एच, केन, कर्ट एंगल, अंडरटेकर, हार्डी बॉयज, ब्रूट्स, डी जनरेशन एक्स जैसे नए टैलेंट्स को क्रिएट किया था और वे रेसलिंग के साथ एंटरटेनमेंट को भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए थे। ग्लेन जेकब्स जो केन का असली नाम था, वे WWE में 1995 से ही एक्टिव थे। उन्होंने जो गिमिक्स प्ले करी थी शुरुआत में, वो एक ऑक्यूपेशनल कैरेक्टर एक डेंटिस्ट की थी, जो कि एक बहुत ही ख़राब साबित हुई थी। फिर 1996 के दौरान केविन नैश और स्कॉट हॉल ने WWE को छोड़ दिया था। फिर ग्लेन जेकब्स ने केविन नैश के डीजल के कैरेक्टर को प्ले किया था, जो डीजल कैरेक्टर कॉपीराइट था WWE का। फेक डीजल और बुरी तरह से फेल हुआ। 1997 में WWE में एक नया एटीट्यूड इंट्रोड्यूस हुआ था। स्टीव ऑस्टिन, रॉक और DX धूम मचा रहे थे और अंडरटेकर ऑलरेडी कंपनी में पहले से ही स्टेब्लिश थे और उनके मिस्ट्री ब्रदर केन के बारे में रिवीलेशंस होने लगते हैं वीकली रॉक एपिसोड्स पर। दोस्तों यहाँ मैंने केन के क्रिएशन और ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के स्टोरी को अंडरटेकर के 1997 और 1998 पार्ट्स में कवर कर रखा है और उस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि केन क्यों मास्क पहनते थे। केन अंडरटेकर के छोटे भाई थे जो अंडरटेकर के साथ हमेशा रहा करता था। बचपन से ही वे अपने बड़े भाई को अपना हीरो मानता था और एक दिन उनके फ्यूनरल होम में आग लग जाती है और केन के साथ उसके माता पिता उस फ्यूनरल होम में जलकर मर जाते हैं। अंडरटेकर इस हादसे से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि वे अपनी लाइफ लॉन्ग इमोशनल लेस हो जाते हैं थ्रू आउट अपने यंग एज में। जब केन के रिवीलेशन का समय नज़दीक आने लगा था तो पॉल बेरर ने बताया था कि केन जिंदा है और उसका चेहरा जल गया है और वह अपनी आइडेंटिटी को भी भूल चुका है। उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूट पर रखा गया था और वो जवान हो गया है और वो अंडरटेकर से बदला लेने के लिए जरूर आएगा। फिर केन इंट्रोड्यूस हुए थे WWE में और शुरुआत में केन को मेंटली अनस्टेबल बताया गया था और आप ये सुनकर शॉक हो जाएंगे कि केन पहले बिना मास्क के इंट्रोड्यूस होने वाले थे, फिर बाद में मास्क को ऐड किया गया था। ओरिजिनली केन का नाम इन्फर्नो रखा जाने वाला था और बाद में इसे बाइबल के अकॉर्डिंग केन इन एबल में से केन का नाम दिया गया था या रखा गया था। केन अगर बिना मास्क के डेब्यू करते तो उनके फेस पर एक स्कार होने वाला था और वो दिखने में अंडरटेकर जैसे ही होते। फिर जब मास्क को ऐड किया गया था तो उसने दो पर्पज़ के लिए उसे लाया गया था, क्योंकि केन ग्लेन जेकब्स ऑलरेडी आइजैक यंकिम और फेक डीजल के रोल को प्ले कर चुके थे और फैंस इसे एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करते कि आइजैक यंकिम ही अंडरटेकर का मिस्टीरियसली बर्न ब्रदर है। और जब केन ने मास्क के साथ डेब्यू किया था तो किसी ने ये भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि केन असल में आइजैक यंकिम या फेक डीजल है। और दूसरा पर्पज़ ये था कि केन का फेस इतना ज़्यादा बुरी तरह से जला हुआ था, उसे छुपाने के लिए केन मास्क पहनता था। और केन का मैनरिज्म कॉपीड था स्लेशर हॉरर आइकन माइकल मायर से, जो मेंटली अनस्टेबल और इमोशनल लेस है और उसके रास्ते में जो आता है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। केन का कैरेक्टर एक सुपर हीरो कैप के साथ भी दिखा था पर बाद में इसे हटा दिया गया था। केन का मास्क इतना ज़्यादा आइकॉनिक और मिस्टीरियस साबित हुआ था एटीट्यूड एरा के समय और वो बहुत फेमस हुआ था। केन को फाइनली सक्सेस मिली और केन का मास्क ही उसकी पहचान थी और एक मिस्ट्री थी कि हर कोई बच्चा जो WWE उस समय देखता था वो यही सोचता था कि केन रियल में कैसे दिखता होगा और रियली वो WWE के सुनहरे दिन थे। दोस्तों इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि मास्क के साथ केन का पुराना नाता रहा है। ग्लेन जेकब्स मास्क के साथ WWE में आने से पहले बहुत सारे कैरेक्टर्स को प्ले कर चुके थे जैसे क्रिसमस क्रीचर और एना बॉम। और WWE में एज अ केन आने के बाद और रियल लाइफ में भी केन को अपने आइडेंटिटी और कैरेक्टर को मेंटेन रखने के लिए मास्क को पहना रहना पड़ता था और अरीना के बाहर भी जब वे जाते थे तो उन्हें मास्क पहनकर ही जाना पड़ता था। अपने डेब्यू के बाद पहले केन के अपीयरेंस को रेसलमेनिया 14 तक ही अंडरटेकर के मैच तक रखा जाने वाला था। केन का इंप्रेशन पर ऐसा पड़ा फैंस पर कि केन ग्लेन जेकब्स 25 सालों से भी ज़्यादा WWE में एक्टिव रहे। ओरिजिनल प्लान्स ये थे कि केन की स्टोरी बस रेसलमेनिया 14 तक ही रखे जाने वाली थी, फिर केन बाद में वापस आते WWE में कोई दूसरा कैरेक्टर प्ले करने के लिए। और केन को ऐसी ट्रिमेंडस सक्सेस मिली WWE में कि वो एक लेजेंडरी स्टेटस को हासिल कर पाए जो कि बहुत कम रेसलर्स को मिल पाता है WWE में। 1997 के बाद से ही केन WWE में रेगुलरली परफॉर्म होने लगे थे। उनका रिंग अटायर पूरा रेड था, उनका एक हाथ स्लीवलेस था पर कभी कभार दोनों आर्म्स अनस्लीव दिखते थे। उनका थीम म्यूजिक भी बर्न था जो कि उनकी पर्सनालिटी पर मैच होता था।
पर जैसे जैसे समय पास होता गया केन के अटायर भी चेंज होते गए और उनका कैरेक्टर धीरे धीरे मोर ह्यूमन लाइक इमोशंस को दिखाने लगा था। वे बातचीत करते थे और अलग अलग सेगमेंट्स में वे कॉमेडी करते भी दिखे थे। और केन का मास्क का डिज़ाइन भी चेंज हुआ है। 2002 में केन का मास्क थोड़ा चेंज दिखा था, जिसमें केन इजीली ब्रीथ कर सकते थे और जो कि उनका ओरिजिनल मास्क था उसमें एयर रिस्ट्रिक्टेड थी। दोस्तों, केन का मास्क वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक आइटम्स में से एक रहा है WWE में। और जब केन मास्क में परफॉर्म करते थे तो वो एक मिस्टीरियस फ्रीक थे और केन के बारे में फैंस हमेशा से ही जानने के लिए इंटरेस्टेड रहते थे कि मास्क के पीछे केन कैसे दिखते होंगे। और केन की पर्सनालिटी को कई बार ऐसे भी दिखाया गया है कि वे अपने चेहरे को लेकर काफ़ी पॉजिटिव दिखे थे और कई ओकेशंस पर केन को अनमास्क भी किया गया था। 2000 के रॉक एक एपिसोड में DX ने केन पर उनके लॉकर रूम में अटैक कर दिया था और उन्हें फर्स्ट टाइम अनमास्क किया था और पैट पैटरसन ने केन के फेस की पिक्चर्स ले ली थी और केन को ब्लैकमेल किया था। समर स्लैम 2000 में अंडरटेकर और केन का मैच था और मैच के दौरान अंडरटेकर ने केन के मास्क को उतार दिया था और केन अपने फेस को कवर करके वहां से भाग गए थे। फिर स्मैकडाउन 2001 के एपिसोड में एज और केन का मैच चल रहा था। एज अपना मूव एजुकेशन केन के ऊपर अप्लाई करते हैं और केन का मास्क थोड़ा सा हट जाता है और उनका आधा फेस रिवील होता है। केन मास्क को वापस पहन लेते हैं। 2002 रेसलमेनिया के दौरान केन का फ्यूड एक्सपाक और NW के साथ चल रहा था और फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद रॉक एपिसोड में केन और एक्सपाक का मैच हुआ था। दोनों लड़ते लड़ते बैक स्टेज चले जाते हैं और NW के मेंबर्स केन पर अटैक कर देते हैं और केन का मास्क उतार लेते हैं। फिर बाद में एक्सपाक केन का मास्क पहनते ही घूमते रहते हैं। इसके बाद 2003 में केन और RVD टेक टीम पार्टनर्स थे और उनका मैच था एवोल्यूशन के साथ में और एक बॉच होने के कारण केन रिंग के बाहर गिर जाते हैं और बटिस्टा और रिक फ्लेयर केन को घेर लेते हैं और केन का मास्क उतार लेते हैं और केन अपने चेहरे को छुपाकर वहां से भाग जाते हैं और एवोल्यूशन RVD और केन से मैच जीत जाता है। फिर आता है फाइनल अनमास्किंग ऑफ केन इन 2003। इस टॉपिक पर हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।